तो हमारे देश में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोयले का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाए जाते हैं कोयले से, और पूरे इलेक्ट्रिसिटी का 85% कोयले को जलाकर बनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है। और ये जो कोयल यानी कोयला जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स में होता है। और हमारा चैप्टर भी यही है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। उसका आज का टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी रिसोर्स कोयल। आज हम कोयले पे बात करेंगे काफ़ी कुछ, ढेर सारा। जैसे इंट्रोडक्शन, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ इसका इंट्रोडक्शन, फिर यूजेस, फिर टाइप समझाएंगे, और उसके बाद डिपॉजिट एरिया। एकदम ईजी लैंग्वेज में अंत तक बने रहिएगा, आसानी से आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मेरा गारंटी है आपको। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। तो आपको भी पता होगा कि कोयला है क्या, ये एक एनर्जी रिसोर्स है। भारत में बहुत सारे जगहों पे ये पाया जाता है काफ़ी बहुत सालों से, ये कन्वेंशनल एनर्जी में आता है, बहुत सारे से हम यूज कर रहे हैं इसका, खाना बनाने से लेकर बहुत सारे एक्टिविटी में। यहाँ तक कि पुराने जितने रेलगाड़ियाँ थी, ट्रेन थे, वो भी आप देखे होंगे गदर फिल्म, जो जला के कोयले को जला कर आपका ट्रेन को भगाया जा रहा था। काफ़ी सारे फिल्म भी बन चुके हैं कोयले पे, जैसे आपने हाल फिल्म कुछ साल पहले देखा होगा रणबीर सिंह का और अर्जुन कपूर का, एक उसमें भी दिखाया जाता है कि बचपन से वो लोग क्या करते हैं, कोयले को चोरी करते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला हर किसी के लाइफ में, पर ये अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि कोयल एक एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, और ये धीरे धीरे ये खत्म भी हो रहा है। इसके साथ ये भी जान लीजिए क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके साथ बात करेंगे यूजेस, यूजेस इसका क्या है। तो मैंने अभी बताया ना, जितने ट्रांसपोर्टेशन थे और जैसे रेलगाड़ियाँ वो कोयले से चलती थी, अभी नहीं चल रही है, अभी पेट्रोल से और इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी 85% कोयले से बनाया जा रहा है। स्टील और आयरन फैक्ट्री जो होते हैं, जो स्टील को बनाया जाता है, उसमें भी कोयले का यूज करके ही बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं बिना कोयले के चल ही नहीं सकते, एक दिन भी नहीं टिकेंगे अगर उनको कोयला सप्लाई नहीं होगा तो। और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है, कोयले का। क्योंकि आप जानते होंगे कि हम लोग पुराने ज़माने से लोग घरों में खाना बनाते भी हैं कोयले से ही, कोयले का उपयोग करके ही बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एक्टिविटी में यूज हुआ है अभी तक। अब बात करेंगे इसके टाइप्स का कि कोयले का कितना टाइप्स है। तो जितने दुनिया भर में जितने कोयले मिलते हैं उसके 3 टाइप्स है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल। पहला सुनिए कौन सा, पहले को बोलते हैं लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है पहला लिग्नाइट, दूसरे को बोलते हैं बिटुमिनस, और तीसरे को बोलते हैं एंथ्रासाइट। अच्छे से सुनेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला मैंने क्या बताया, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है ये लो क्वालिटी का कोयला है, इस पहला नंबर लो क्वालिटी का कोयला है। और दूसरा नंबर इसमें याद रखना है कि इसमें कार्बन ज़्यादा नहीं पाया जाता, इसमें कार्बन ज़्यादा नहीं है। तीसरा, ये काफ़ी इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलता, ठीक है, इससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट हम नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा ये स्मोक करेगा, धुआं छोड़ेगा, और काफ़ी कम समय में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलता कहाँ पे है, ये तमिलनाडु का जो नेवली एक जगह है वहीं पे इसका डिपॉजिट एरिया है। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछे गए हैं कि कौन सा इंडिया का ऐसा जगह है जहाँ पे आपका लिग्नाइट कोयला मिलता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का नेवली, ठीक है, और लो क्वालिटी का ये कोयला है। और दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस सेकंड टाइप का है, इस ये थोड़ा अच्छे टाइप का क्वालिटी है, लिग्नाइट से अच्छे टाइप का क्वालिटी, इसमें कार्बन ज़्यादा है, एनर्जी भी ज़्यादा देता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक जलता भी है। और यही कोयला पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट इसी का है। इंडिया में भी आपके 60-70% जो कोयले मिलते हैं वो सब बिटुमिनस के बने होते हैं, इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। स्टील और आयरन फैक्ट्री में इसी का यूज होता है, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी लिग्नाइट का और बिटुमिनस का ही यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट जो है सबसे हाई क्वालिटी का कोल है, ठीक है, काफ़ी कम ही जगह पे मिलता है। हमारे इंडिया में तो बहुत गिने चुने जगह है जहाँ पे एंथ्रासाइट टाइप का कोयला मिलता हो। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत देर तक जल सकता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें मिलता है इसको जलाने से, ठीक है। पर ये इसका जमाव, इसका डिपॉजिट बहुत ही कम एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम लोग डिपॉजिट एरिया, और मैं आपको इसके साथ और बता दूं कि इंडिया में कोयले इनफ कोयला है
और 3 नंबर पे, पहले हम लोग 2 नंबर पे थे, अब 3 नंबर पे आ चुके हैं कोयल प्रोडक्शन में। ठीक है, पहले पे चाइना है, याद रखिएगा। और ये जो कोयला है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगे हैं, लाखों करोड़ों साल लग गए हैं बनने में। और बने कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी पहले प्लांट थे एक ज़माने में, वो क्या हुए, दब गए थे, दब गए, और दबने के कारण वो अंदर चले गए, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने के कारण, प्रेशर करने के कारण वो कोयले में बदल गए। इस बात को याद रखना है, बहुत पुराने ज़माने में लाखों करोड़ों साल पहले वो नीचे दब गए थे, अब कारण कोई भी हो, और उसके बाद वो क्या हुआ, कोयले में बदल गए। और इसका लिमिटेड स्टॉक है हर जगह पे, पर हम लोग बहुत ज़्यादा अभी इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जल्दी ही क्या होगा, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको सही से यूज करना होगा हमें, नहीं तो क्या होगा, पूरे दुनिया से पूरा कोयला ख़त्म हो जाएगा। अब बात करेंगे डिपॉजिट एरिया, तो हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिट एरिया है जो जो काफ़ी उसमें कोयले मिलते हैं। पहला है गोंडवाना और दूसरा है टर्सरी। अब ये गोंडवाना क्या है, तो ये जानिए, इंडिया का सबसे पुराना बेल्ट है कोयला का, 200 मिलियन ईयर्स ये पुराना ओल्ड है, और इसमें काफ़ी सारे कोयले यहीं पे पाए जाते हैं। तो गोंडवाना मिलेगा कहाँ आपको, तो मैं बताता हूँ, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के जो एरिया होते हैं उसी को बोलते हैं गोंडवाना। आपको भी पता होगा पश्चिम बंगाल में रानीगंज, दुर्गापुर, ये सब फेमस ब्लॉक है कोयले के। झारखंड में जाइए तो सिंहभूम, झरिया, बोकारो, ये सब बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब चले जाइए ओडिशा, बेलाडीला, ये सब कोयले के बहुत अच्छे माइन, यहाँ पे प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और गोंडवाना याद रखना है काफ़ी पुराना है, 200 मिलियन पुराना है, 200 मिलियन पुराना है, और ख़त्म करने में लग रहे हैं, और 20 साल लगेंगे और पूरे ख़त्म हो जाएंगे, इस दुनिया से कोयला ख़त्म हो जाएगा 20 साल बाद। ठीक है, और उसके साथ एक और आपको मैं बता दूँ, और दूसरा डिपॉजिट एरिया है वो है टर्सरी। अब ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपके महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर नॉर्थ ईस्टर्न के जो एरिया हैं उन सभी में मिलेगा, और ये 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा उतना जितना गोंडवाना में देखने को मिलता है, क्योंकि झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ करीब इंडिया का 50% कोयल का प्रोडक्शन का डिमांड पूरा करते हैं। तो ये रहा पूरा कोयले का कहानी, स्टोरी। ठीक है, अब आसानी से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जितने मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, यूजेस, टाइप्स। ठीक है, बहुत ही फेमस रहा है कोयला, पुराने लोगों से आप पूछिएगा तो बताएंगे उनका कितना जुड़ाव था। ठीक है, उनका क्या रिलेशन था कोयले के साथ, कितना ब्लैक मार्केटिंग भी होता था कोयले का, अब पर धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में आता है, लिमिटेड स्टॉक है, और इसी को जला के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिए, और ग्लोबल वार्मिंग से भी हम लोग बेचैन हैं। ठीक है, टेम्परेचर इसी के कारण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको स्टॉप करना होगा इसका यूजेस को। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, तब तक धन्यवाद।